तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। तो हमें 18 और 5 के एलिमेंट्स ज्ञात करने हैं। हमारा 18 के एलिमेंट्स होते हैं 18 × 1 = 18, 1 × 18 = 18, 3 × 6 = 18, 6 × 3 = 18, 9 × 2 = 18, 2 × 9 = 18। हमें इनकी पहले तो एक के साथ गुना करते हैं, फिर उससे के साथ पीछे से गुना कर देंगे हम इसकी। तो हमारे 18 के एलिमेंट्स हो गए हैं। अब हम 5 के एलिमेंट्स ज्ञात करते हैं। तो हमारे 5 के एलिमेंट्स होते हैं 5 × 1 और 1 × 5। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अब कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे ए इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन TION, आपको 3x3 की मैट्रिक्स तो पता ही होगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये हो गई हमारी 3x3 की मैट्रिक्स। तो हमें अब इसी से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो यहाँ पर ए के साथ A11 है, उसका पहले वाला 1 का तो मतलब होता है आई, और सेकंड वाले 1 का होता है मतलब जे। तो हमें गिवन बाय में दिया गया है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो अब हम करते हैं इसे, A11 इज इक्वल टू हमारा आई हो गया 1 और जे हो गया हमारा 1 इज इक्वल टू 2। A12 हमारा आई हो गया 1 प्लस 2 जे हो गया हमारा 3। A13 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 हमारा आई हो गया 1 प्लस 3 हो गया हमारा जे 4। तो हमारे ये निकल गए हैं। और अब हम करते हैं A21 वाली रो को सॉल्व। तो हमारी अब होती है A21 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3। हमारी आई हो गई 2 और जे हो गया हमारा 1। अब A22 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 3 इज इक्वल टू 5। अब हम करते हैं A31 वाली कॉलम को। A31 इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4। A32 इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। 3 + 3 इज इक्वल टू 6। तो अब हो गई हमारी मैट्रिक्स जो हमें अब ज्ञात करनी थी, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 4, 5, 6 ये हो गई हमारी ज्ञात। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट A2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे बाय 2 और स्क्वेयर। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन।
तो बस पहले और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में इतना ही फर्क है, उसमें 3x3 की मैट्रिक्स थी और यहाँ पर है हमारी 2x2 की मैट्रिक्स, बस यही अंतर है। A11, A12, A21, A22 ये होगा, ये हो गई हमारी 2x2 की मैट्रिक्स। तो हमें जो गिवन बाय में दिया हुआ है, अब गिवन बाय AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J स्क्वेयर बाय 2। तो पहले की तरह हमारा I हो गया 1 और J भी हो गया हमारा 1। I प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वेयर बाय 2, 3 का स्क्वेयर बाय 2, 9/2। तो हमारा A11 आ चुका है 9/2। तो अब हम निकालेंगे A12। 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 का स्क्वेयर बाय 2, 5 का स्क्वेयर बाय 2, 10 ये सॉरी 25 बाय 2। अब हम निकालेंगे A21 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 का स्क्वेयर बाय 2, 4 का स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू 16/8 ये सॉरी 2। तो हमारा आंसर आ गया इसका भी 8। तो अब हम निकालेंगे A22 इज इक्वल टू ये 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वेयर बाय 2, 2 प्लस 4 का स्क्वेयर बाय 2, 6 का स्क्वेयर बाय 2, 36/2, 18। तो हमारी मैट्रिक्स अब हो गई है, हमारी मैट्रिक्स अब हो गई है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इफ, और ये हमें दी गई है, और फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स वाई, हमें एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है इसमें। तो हम करते हैं अभी इसका सॉल्यूशन। पहले हम इसकी दो इक्वेशन बना लेते हैं, 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/2 ये हो गया हमारा 2, x इज इक्वल टू 2 हो गया हमारा। तो हमारी x की वैल्यू तो सिंपली निकल चुकी है, तो अब हम निकालेंगे y की वैल्यू, वैल्यू ऑफ दी y। तो हमें y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द x इन पुटिंग टू द सेकंड इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये होगी हमारी फर्स्ट, ये होगी सेकंड। तो हमारी सेकंड इक्वेशन एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0, हमारी एक्स की वैल्यू है 2 प्लस 2y, 0 2y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2/2। तो हमारी y की वैल्यू होगी -1, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए,
और अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स हूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इज इक्वल टू 1/2i-3j। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो हमें जो गिवन बाय में दिया हुआ है वह है हमारा ए आई जे इज इक्वल टू 1/2i-3j। तो ये दोस्तों हमें गिवन बाय में दिया हुआ है। तो हमारी जो 3x2 की मैट्रिक्स होती है वह होती है a11, a12, a21, a22, a31, a32। तो दोस्तों ये होती है हमारी 3x2 की मैट्रिक्स। तो हम अब पहले करेंगे a11 इज इक्वल टू 1/2, हमारा आई है 1 और -3 × 1 इज इक्वल टू 1/2, 1-3 इज इक्वल टू 1/2-2। यदि छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो वह माइनस का हो जाएगा। और अब हम इन जो ये लाइन है इनसे बाहर निकालेंगे तो जो कुछ भी होगा वह प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो, और प्लस का तो प्लस ही का रहेगा। तो यहाँ पर ये माइनस का है तो इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा, तो 2/2 और आ गया इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही हमें सभी क्वेश्चनों के आंसर, सभी जो ये भाग हैं ऐसे ही सभी करने हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। तो यहाँ पर हो गया हमारा 1/2-5 = 5/2। तो अब आ गया हमारा a21 इज इक्वल टू 1/2 2-3 × 1। अब i हो गया हमारा 2 और j हो गया हमारा 1 इज इक्वल टू 1/2 3-2 इज इक्वल टू 1/2-1 = 1/2। तो अब हमारा आ गया a22 1/2 = 2-3 × 2 = 1/2 2-6 = -4 4/2 = 2 = 2। तो अब आ गया हमारा a31। तो हमारा a31 है जो इज इक्वल टू 1/2 3-3 × 1 = 1/2 3 − 3 = 1/2 0 = 0/2 0। तो अब आ गया हमारा a32 1/2 = 3 − 3 = 1/2 − 3 − 6 = 1/2 − 3 = −2 तो हमें जो अब मैट्रिक्स ज्ञात हुई है वह है 1/5/2 1/2 2 0 3/2। यह है हमारी मैट्रिक्स, यह है आंसर, हेंस द रिजल्ट। आई होप कि दोस्तों ये आपको क्वेश्चन ये अच्छी प्रकार के से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज देना।
तो बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है इफ इंटू एक्स 3x माइनस वाई 2x प्लस जेड 3y माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3247 फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। x इज इक्वल टू, ये हमें समीकरण बना लेते हैं। हमने बना लिए समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और हमें ज्ञात करना एक्स वाई जेड और डब्लू। तो हम हमारी ये एक्स की वैल्यू तो पहले से ही निकल गई, वैल्यू ऑफ द एक्स। अब हम निकालेंगे वाई की वैल्यू, वैल्यू या एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, एक्स के मान को समीकरण दो में रखने पर, तो हमारा समीकरण दो क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू टू। तो हमारा दूसरा समीकरण ये है 2 मल्टीप्लाई जो x का मान है वहाँ पर, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 3 माइनस वाई ये 9 और माइनस टू ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू 7। अब हम निकालेंगे z, वैल्यू ऑफ द z। तो हमारा जो ये समीकरण है तीसरा 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 4, तो हमारी x की वैल्यू है जो 3 है प्लस टू जेड सॉरी 6 प्लस जेड इज इक्वल टू 4, जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 6 माइनस 2, तो हमारी माइनस 2 आ गई जेड की वैल्यू। अब हम निकालेंगे W की वैल्यू, वैल्यू ऑफ दी W। वैल्यू ऑफ दी W 3y माइनस W इज इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा समीकरण फोर्थ। 3 मल्टीप्लाई हमारी y की वैल्यू है 7, W इज इक्वल टू 7, 21 माइनस W 7, 7 माइनस 21 माइनस W इज इक्वल टू माइनस 14। सॉरी ये थोड़ा आपको दिखा नहीं, तो ये हो गया हमारा W 14 हो गया। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन ये भी पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब है हमारा अगला क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो हम पहले तो इनकी इक्वेशन बना लेते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और हमारी सेकंड इक्वेशन है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। 3a प्लस सी इज इक्वल टू 5, ये हमारी थर्ड इक्वेशन। 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो हम पहले a का मान ज्ञात करते हैं, माइनस 1 प्लस बी। तो हमारा a का मान या a की वैल्यू निकल चुकी है, तो हम a की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुटिंग करेंगे। तो हमारा सेकंड इक्वेशन है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो 2a है हमारा माइनस 1 प्लस बी, माइनस बी इज इक्वल टू 0। माइनस 2 प्लस 2b माइनस बी इज इक्वल टू 0। और अब हो गया हमारा ये जो है माइनस का इस साइड है 2, उस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। तो हमारी b की वैल्यू है 2, 2b। तो वैल्यू ऑफ दी
अब हम a की वैल्यू निकालेंगे। अब हम b की वैल्यू को वापिस उसी इक्वेशन में पुटिंग करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में a इज इक्वल टू माइनस वन प्लस बी, a इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू, a इज इक्वल टू वन। तो अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द c। अब हम निकालेंगे c की वैल्यू, वैल्यू ऑफ द c, क्वेश्चन मार्क। तो हमारी थर्ड इक्वेशन है 3a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 3 और सी इज इक्वल टू 5 माइनस 3, सी इज इक्वल टू 2। तो हमारी सी की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब हम निकालेंगे डी की वैल्यू, वैल्यू ऑफ दी डी। तो हमारी ये जो इक्वेशन है 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 और 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 6 प्लस डी इज इक्वल टू 13, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 8th क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड यू विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो हम पहले की तरह इक्वेशन बना लेते हैं। पहले तो इसकी जेड माइनस वन इज इक्वल टू 3, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। एक्स माइनस टू, ये सॉरी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस 7, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। 4u माइनस 6 इज इक्वल टू 2u, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो हम पहले x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3। तो हमारी x की वैल्यू तो सिंपली निकल चुकी है। तो अब हम निकालेंगे z की वैल्यू, वैल्यू ऑफ द z। तो हमारी z माइनस वन इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो हमारी z की वैल्यू आ चुकी है 4। z इज इक्वल टू 4। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द y। x प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस 7 और x है हमारा माइनस का ये 3, x माइनस का 3 प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस 7, टू वाई इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 3 और y इज इक्वल टू ये आ गया हमारा माइनस का 2। तो हमारा y की वैल्यू भी निकल चुकी है। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द u। तो 4u माइनस 6 इज इक्वल टू 2u, 4u माइनस 2u इज इक्वल टू 6, 2u इज इक्वल टू 6, u इज इक्वल टू 6 बाय 3। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने का नाइन्थ क्वेश्चन करेंगे। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। तो दोस्तों अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले तो हम इसका समीकरण बना लेते हैं, एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब हमारा दूसरा समीकरण है वाई स्क्वेयर प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो वैल्यू ऑफ द एक्स, हम पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द एक्स।
तो हमारा पहला समीकरण है कि जो x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो हम 3x को इस साइड ले आएंगे और 10 को वहाँ पर ले जाएंगे। x माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 6/3। हमारी x की वैल्यू आ गई 3। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ दी y, y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये हमारा सेकंड समीकरण, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस y माइनस इज इक्वल टू 0, y प्लस 3 माइनस 1 वाई प्लस 3 वाई प्लस 3 वाई माइनस 1 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू माइनस 3, वाई इज इक्वल टू 1। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 3 और वाई की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगला है हमारा 10वां क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है इफ ये इक्वेशन है ये जो ब्रैकेट में है, और फाइंड द वैल्यू ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम पहले की तरह इसके भी इक्वेशन बना लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। ये हमारी थर्ड इक्वेशन। और a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 हमारी फोर्थ इक्वेशन। और अब आ गई हमारी जेड प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। अब आ गई हमारी b की 3b इज इक्वल टू माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 21। ये हमारी हो गई सिक्स्थ इक्वेशन। तो हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ दी x, x प्लस थ्री इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हम निकालेंगे z की वैल्यू, वैल्यू ऑफ दी z, जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 6, जेड इज इक्वल टू 6 माइनस 4, जेड इज इक्वल टू 2। ये हमारी आ गई जेड की वैल्यू। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ दी वाई, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, 2y माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 7, माइनस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू माइनस 5। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ दी a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, a इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस, ये आ गया हमारा a की माइनस 2। तो अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ दी बी, 3b इज इक्वल टू माइनस 21, बी इज इक्वल टू माइनस 21 बाई 7, ये 3 हमारा बी आ गया माइनस 7। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ दी सी,
जेड प्लस, ये पहले हमें जेड की वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ दिस ही इनपुटिंग ऑफ दी ये फिफ्थ इक्वेशन, हमारी फिफ्थ इक्वेशन जेड प्लस टू सी इज इक्वल टू 0, जेड है हमारा 2, 2 प्लस टू सी इज इक्वल टू 0, टू सी इज इक्वल टू माइनस 2, सी इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2 माइनस 1, सी इज इक्वल टू माइनस 1। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज हमारी ये 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।